मेरा नाम हिमांशी अग्रवाल है। आज 24th of October है और रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 11:04। ठीक है, मेरी ट्रेन थी जो मैं कंसर्न रेज कर रही हूँ। मेरी टिकट मैंने बुक करी थी शताब्दी एक्सप्रेस से गाज़ियाबाद से कानपुर आने वाली ट्रेन, ठीक है, जिसका गाड़ी नंबर था 12 लेट मी सी मैं भूल गई हूँ, गाड़ी नंबर 12034, ठीक है, जिसमें मेरी सीट थी C468 गाज़ियाबाद से कानपुर 24th of October। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली गाड़ी थी। तो गाज़ियाबाद में मैं जैसे स्टेशन पे पहुंची, अनाउंसमेंट हो रहा था कानपुर आने वाली ट्रेन आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। तो मैं पहुंची थी @10:40 पे, जिसमें मेरी 5 मिनट ट्रेन लेट थी। मेरे को नहीं अंदाज़ा था, मेरे को लगा यही ट्रेन आ गई है। तो मैं भागती हुई गई और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंची, सीढ़ियाँ क्रॉस करके, मेरे पास लगेज था, सीढ़ियाँ क्रॉस करके जैसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंची, मेरे को वो ट्रेन चल दी थी। तो मैं रनिंग ट्रेन में मैं चढ़ गई हूँ, ठीक है, जैसे क्योंकि ट्रेन के कोच के बाहर मेरे को कोई नाम नहीं दिखा। मैंने देखा ट्रेन के कोच सीढ़ियाँ उतरते हुए, ट्रेन के कोच पे मेरा कंसंट्रेट था, पर ट्रेन के कोच पे कोई नाम नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सी ट्रेन है। तो मैं तुरंत चढ़ गई उस पर, ठीक है। उस पर चढ़ने के बाद में मेरे को पता चला कि तेजस एक्सप्रेस है। तो मेरे को TT ने बोला कि 1700 रुपये लगेंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मेरे पास भी इतने इतने मैंने टिकट का चार्जेस ऑलरेडी पे कर रखा है, शताब्दी में मेरी ट्रेन है, आप मेरे को डिबोर्ड कर देना, लेकिन मैं इतना पे नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मेरा शताब्दी में कन्फर्म टिकट था। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम C12 में जाके बैठ जाओ, टिकट तो आपको बनवाना पड़ेगा। मैं तब भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि हाँ थोड़े कम रुपए में क्यों बन जाए। मैंने कहा हाँ टिकट बनवा लीजिएगा, कोई और चौरा चारा नहीं है, लेकिन कम रुपए ले लीजिए, क्योंकि मेरा जो रूट था ट्रेन का वो रुकती टूंडला में, और जो शताब्दी ट्रेन थी वो रुकती इटावा में। तो मेरा बीच में कोई मिड पॉइंट नहीं था जहाँ पे मैं उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ सकती थी, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे पहुँची C12 में, तो C12 में दूसरा TT थे। मैंने उनसे बात करी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि सबके साथ में हुआ। C12 में जितने पैसेंजर बैठे थे, 3, 4, 5 जो भी पैसेंजर बैठे थे, उनका सबका ऐसे ही सीन हुआ था कि वो शताब्दी की जगह वो इस ट्रेन में चढ़ गए थे और वो टिकट बनवा रहे थे। तो मेरे साथ में एक और लड़की थी, कानपुर ही आने वाली थी, उसने भी टिकट देने को मना कर दिया और मैंने भी टिकट के पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है, जिसकी पेनल्टी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगी। मैंने टिकट की पेनल्टी भरी है, ठीक है। मैं बोल रही थी उनसे कि मेरे को थोड़ा कम रुपए कर दो। तो उनके जो उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर्स आएंगे, मेरे सीनियर्स ऑन बोर्ड है, तो हम टिकट कम रुपए में नहीं कर सकते, टिकट तो पूरी फुल बनेगी। तो मैंने कहा ऑन बोर्ड सीनियर से मैं बात कर लूँगी। जैसे वो सीनियर्स हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि डोंट वरी, जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड वी विल टेक केयर कि क्या होता है क्या नहीं करते हैं, कि जो भी डिसीजन लेना होगा। तो वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि डीबोर्ड तो कर नहीं सकते और वहाँ पे भी अपसेंट मार्क हो गया होगा, तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला वी विल लेट यू नो, जस्ट सिट एंड रिलैक्स। फिर हमने बोला कि ठीक है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं जो भी होगा। इन्होंने हमें कोई डिसीजन नहीं बताया, कुंडला आ गया तो तब भी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं बताया कि हमें उतरना है कि क्या करना है। टूंडला के बाद में इनका प्रोसेस जो भी है चालू हो गया होगा। इन्होंने क्या किया, कमेंट्री स्टार्ट करी वहाँ पे कि दो लड़के देखो लोग, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी किस्मत कैसे अच्छी है, चलो कानपुर में 2 सेल्फियाँ उतरेंगी, क्योंकि हम 2 लड़कियाँ थे, ठीक है, कानपुर में 2 सेल्फियाँ उतरेंगी, या फिर कानपुर में, अरे एक और लड़की थी जिसकी जो मम्मी के साथ चढ़ी थी अपनी, उसके बाद में भी उसका टिकट बना था, ये लोग कैसे उतर गए। तो ये लोग पूरे रास्ते हम लोगों के ऊपर कमेंट्री करते हुए, इवन जो मेरे ऑन ड्यूटी C12 में तेजस एक्सप्रेस में जो भी TC था, उसने बोला है कि इस लड़की का ध्यान रखना, जहाँ भी ये जाए उसको इस पर देखना, ये यहाँ से निकल ना पाए। वी आर नॉट द थर्ड क्लास पर्सन, वी आर नॉट ट्रैवलिंग इन अ जनरल क्लास, वी हैव अ टिकट फॉर 3rd AC, ठीक है। तो ऐसे नहीं थे कि अरे गेरे कि हमको ऐसे बताना है कि इधर से निकल ना जाए, ना चोर थे ना कुछ भी नहीं थे, ठीक है। अच्छा, टिकट लेके चले थे, बाई मिस्टेक हम गलत ट्रेन में चढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद में उनका ये टॉन था, मैंने उनके सीनियर मैनेजर से भी बोला था कि इस तरीके से इन्होंने बोला है, उसके बाद में भी वो मान नहीं रहे थे कि नहीं नहीं हमने नहीं बोला है। तो उन्होंने इसी के चलते इन्होंने हमको इतना सा भी हिंट नहीं दिया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन्होंने ना सीनियर मैनेजर हमको बोल के गए थे वी विल लेट यू नो वट एवर वुड बी सिचुएशन, के जो भी डिसीजन लेगा, इन्होंने बोला कि हमको बताएंगे, कुछ भी नहीं बताया। आफ्टर दैट हम जैसे ही कानपुर सेंट्रल पे उतरे, हमें RPF पुलिस ने पकड़ लिया, TC मेमो लेके आया,
और उसने उनको दे दिया, ठीक है, उनको दे दिया। पहली बात, मैं और एक और लड़की थी जो मैं एक उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ठीक है, हम दोनों का मेमो इन्होंने साथ में बनाया हुआ था 6300 का, ठीक है, 6300। अब एक लड़की वो बोल रहे हैं 6300 हमको चाहिए वरना आपको हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, एक को भी नहीं जाने देंगे। मैं बोल रही हूँ मैं पे करने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं अपनी पेनल्टी पे करने को तैयार हूँ। दूसरी लड़की पेनल्टी नहीं पे कर रही थी, मेरा 2 घंटे बर्बाद हुए हैं। पेनल्टी अगर वो पे नहीं कर रही थी तो मैं उसका भुगतान क्यों करूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो पूरी रात पे नहीं करती या फिर वो उसके लिए चार्जशीट फाइल होती या फिर वो जेल जाती तो मैं भी जेल जाती। उसने मेमो एक एक अलग अलग क्यों नहीं बनाया, उसने एक ही में क्यों बनाया। ऊपर से रेलवे वाले हम लोगों को क्या, रेलवे वालों की क्या सर्विस है, 2 लड़कियों को रात के 10 बजे वहाँ पे स्टेशन पे रोक के RPF उसमें थाने में हमसे बोल रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, चार्जशीट फाइल कर देंगे। मैं बोल रही हूँ मैं पे करने को तैयार हूँ, UPI नहीं है उनके पास में। प्रधानमंत्री वैसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं UPI चलाएंगे, UPI चलाना है, ऑनलाइन पे करना है। रेलवे वालों के पास UPI नहीं है, रेलवे वाले मना कर रहे हैं ऑनलाइन पैसे लेने के लिए। हमारे पास में कैश नहीं है कि हम 6000 रुपये कैश लेके हम नहीं चल रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं वो लोग कि तुमको देना पड़ेगा, हम मैं पे करने को तैयार हूँ। लड़की वो मना कर रही है, दूसरी मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, वो कौन है कहाँ कहाँ की है मैं उसको जरा से भी नहीं जानती। उन लोगों ने मेमो साथ में बना के एक ही बिल, एक में बिल बना रखा है, और वो लोग अलग अलग पैसे लेने को तैयार नहीं है कि मैं अलग अलग पैसे नहीं लेंगे वरना दोनों जेल जाओगे और क्या कहते हैं दोनों की चार्जशीट बनाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। एक बंदा अगर वो मैं उसको जानती नहीं वो चली गई होती तो मैं क्या जेल जाती अंदर, वो नहीं दे रही होती तो मैं क्या जेल जाती, मैं पूरी रात बैठती वहाँ पे। पहली बात, जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी TS था मुझे उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करनी, उसने मिसबिहेव किया है मेरे साथ में, मुझको हैरेस किया है, उसको पूरे रास्ते कमेंट्री करता हुआ बदतमीजी करी है। ऊपर से जो उनके सीनियर मैनेजर थे उन्होंने मेरे को, मैंने अब मेरे को वीडियो बनानी चाहिए थी उसी टाइम पे, उन्होंने मेरे को ऑरली बोला है कि हाँ ठीक है वी विल टेक केयर कि जो भी डिसीजन होगा हम बताएंगे। इन्होंने हमको, मेरे को ज़रा सा भी हिंट नहीं दिया कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये मेरे को बोलते कि हाँ कि हम ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, अगर तुम एग्री हो तो बताओ, नहीं एग्री हो तो बताओ। इन्होंने जरा सा भी मुझे हिंट नहीं दिया, आके मैं स्टेशन पे उतर रही हूँ तो मेरे को RPF वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मिसबिहेव, दूसरा मेरे को अलग अलग कमेंट्री करना, और दूसरा एक ही साथ मेमो बनाना अदर पैसेंजर के साथ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, ठीक है। और ऊपर से रेलवे वालों का ये क्या रूल है कि मैं उस बंदे को जानती नहीं, उसने बोला कि चार्जशीट फाइल कर दो। तो सीनियर जो आके जा रहा है जिसने मेरे को पकड़ा था रेलवे का, मैं RPF की बात नहीं कर रही हूँ, मैं RPF की बात नहीं कर रही हूँ, जो रेलवे वाला उसमें था TC जो था जो लेके आया था मैं, वो उसके साथ में जो सीनियर था वो बोल रहा है कि हमें नहीं पता चार्जशीट फाइल कर दो, अगर एक नहीं दे रहा है हमें नहीं पता बनेगा तो दोनों का साथ में बनेगा। मैं पागल हूँ, मैं पूरी रात वहाँ पे देता हूँ अगर वो नहीं दे रही थी तो। मेरा आज का दिन पूरा खराब हुआ है, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने उसका पेनल्टी भरी, ठीक है। अब जो TC की गलती है, रेलवे वालों की गलती है, उनको ही पेनल्टी भरनी पड़ेगी।